हेलो माइसेल सात्विक, और आज हम लोग शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 27A 3D का। और इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं अपन। पहले क्वेश्चन हम लोगों से क्या कहा जा रहा है, अ लाइन पासस थ्रू अ पॉइंट 3, 4, 5। मतलब हमारे पास जो आर1 वेक्टर हो गया वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। बिल्कुल। और बोला जा रहा है एंड इज पैरेलल टू द वेक्टर 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। यानी हमारे पास जो m वेक्टर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। अच्छा, ये तब लोगों को पता है ना कि r1 वेक्टर क्या होता है, m वेक्टर क्या होता है। r1 वेक्टर वो वेक्टर होता है जिस पॉइंट से वो पास कर रहा होता है। मतलब कहने का अर्थ ये है मेरा कि जिस पॉइंट से वो लाइन पास कर रहा होता है उसका पोजिशन वेक्टर को हम लोग r1 वेक्टर डिनोट करते हैं, और m वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसके वो लाइन पैरेलल होता है। अच्छा भाई, तो कार्टेशियन फॉर्म में लाइन का इक्वेशन हम लोगों को पता होगा क्या होता है, r वेक्टर इज इक्वल टू r1 वेक्टर प्लस लैम्डा m वेक्टर। बस सिंपली पुट कर दो वैल्यूज और आपका आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप प्लस लैम्डा 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। देखो, इस वाले क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया कैसे कैसे करना है। आगे के 2-3 क्वेश्चन इसी तरीके के, मैं उसमें सीधा करते जाऊंगा। ठीक है भाई, अब देखते हैं कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म का क्या इक्वेशन होता है हमारे पास, x माइनस एक्स वन बाई ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाई बी इज इक्वल टू जेड माइनस एक्स वन बाई सी। अच्छा, यहाँ पे एक्स वन वाई वन जेड वन क्या होता है, वो उस पॉइंट के पोजिशन वेक्टर होते हैं या फिर उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं जिससे वो लाइन पास कर रहा होता है। 3, 4, 5 हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा, ए बी सी क्या होगा, ए बी सी उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे जिसके वो लाइन पैरेलल होगा। अच्छा, यानी यहाँ पे हो जाएगा 2, 2, -3। यानी हमारे पास लाइन की इक्वेशन हो गई क्या, x माइनस 3/2 इज इक्वल टू y माइनस 4/2 इज इक्वल टू z माइनस 5/-3। ठीक है भाई, अब देखते हैं हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन। ठीक है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, अ लाइन पासेस थ्रू अ पॉइंट, यानी r1 वेक्टर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप एंड इज पैरेलल टू द वेक्टर m, यानी i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। अच्छा, क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन वेक्टर एज वेल एज कार्टेशियन फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म अपन को पता है लाइन की इक्वेशन क्या होती है, r वेक्टर इज इक्वल टू r1 वेक्टर प्लस लैम्डा m वेक्टर। r1 वेक्टर क्या हमारे पास, ये वाला, यानी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप प्लस लैम्डा। m वेक्टर क्या हो जाएगा, i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। ये मत पूछना ये ऐसे ऐसे कैसे लिख दिया, क्योंकि मैंने पहले क्वेश्चन बता दिया कैसे कैसे मैं लिखने वाला हूँ आगे के 2-3 क्वेश्चन में। ठीक है भाई, और कार्टेशियन इक्वेशन की बात करते हैं अपन। तो कार्टेशियन इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, x माइनस एक्स वन बाई ए इज इक्वल टू वाई माइनस सेवन बाई बी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन बाई सी। अच्छा, यानी ये क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स वन वाई वन जेड वन क्या होता है, उस पॉइंट जिससे वो लाइन पास कर रहा होता है, यानी x माइनस 2/1 इज इक्वल टू वाई माइनस वन बाई माइनस 2 इज इक्वल टू जेड प्लस 3/3। और ए बी सी क्या होता है, वो पॉइंट्स जिसके वो लाइन पैरेलल होता है या फिर उस लाइन का पोजिशन वेक्टर जिसके वो लाइन पैरेलल होता है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है हम लोगों से, देखना जरा, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट विद पोजिशन वेक्टर 2i कैप प्लस j कैप माइनस 5k कैप। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास r1 वेक्टर। और क्या बोल रहा है, एंड पैरेलल टू द वेक्टर आई कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास m वेक्टर। क्या पूछ रहा है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन, लास्ट में पूछ रहा है फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन। वही सेम सवाल जो पहला दूसरा नंबर था। क्या हो जाएगा वेक्टर इक्वेशन, r वेक्टर इज इक्वल टू r1 वेक्टर प्लस लैम्डा m वेक्टर। अच्छा, r1 वेक्टर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 2i कैप प्लस j कैप माइनस 5k कैप प्लस लैम्डा। m वेक्टर क्या हो जाएगा, i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप। अच्छा, कार्टेशियन इक्वेशन पूछ रहा है, कार्टेशियन इक्वेशन क्या होता है हमारे पास, कार्टेशियन इक्वेशन x माइनस एक्स वन बाई ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाई बी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन बाई सी। एक्स माइनस एक्स वन एक्स माइनस 2/1 इज इक्वल टू वाई माइनस 1/3 इज इक्वल टू जेड प्लस 5/-1। अब मत पूछना एक्स वन वाई वन जेड वन कैसे लिख दिया, एबीसी कैसे लिख दिया, मैंने पहले वाले क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर दिया है, और मैंने वहां बोल भी दिया था कि मैं बाकी के सारे क्वेश्चन में सीधा लिखूंगा, मैं आपको नहीं बताऊंगा। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं अपन। फोर्थ नंबर क्वेश्चन हम लोगों से कहा जा रहा है, अ लाइन इज ड्रॉन इन डायरेक्शन ऑफ आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप। एक लाइन इस लाइन डायरेक्शन में ड्रॉ किया गया, मतलब ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया एम वेक्टर। अच्छा, और आगे क्या बोल रहा है हम लोगों से, एंड इट पासस थ्रू अ पॉइंट विद पोजिशन वेक्टर
टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस फोर के कैप। ये क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास आर एन वेक्टर। क्यों हुआ ये एम वेक्टर, क्योंकि लाइन इस डायरेक्शन में ड्रॉ किया गया, मतलब ये लाइन इस लाइन के पैरेलल होगा और ये पास कर रहा है इससे, और जो चीज पास करता है उसको हम लोग आर एन वेक्टर बोलते हैं। क्या पूछा जा रहा है हम लोगों से, हम लोगों से पूछा जा रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर एज वेल एज कार्टेशियन फॉर्म। सबसे पहले वेक्टर फॉर्म में लाइन की इक्वेशन लिखते हैं। लाइन की इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में क्या होती है, आर वेक्टर इज इक्वल टू आर एन वेक्टर प्लस लैम्डा एम वेक्टर। अच्छा आर एन वेक्टर क्या है हमारे पास, आर एन वेक्टर है हमारे पास टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस फोर के कैप प्लस लैम्डा आई कैप प्लस जे कैप माइनस टू के कैप। तो ये हो गया हमारे पास लाइन की इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में। अब कार्टेशियन फॉर्म में लिखते हैं। कार्टेशियन फॉर्म लिखने के लिए सबसे पहले हम लोगों को ए बी और सी पता होना चाहिए और एक्स वन वाई वन जेड वन पता होना चाहिए, और ये आप लोगों को भली भांति आता होगा। हमारे पास ए क्या हो जाएगा वन, बी क्या हो जाएगा वन, और सी क्या हो जाएगा माइनस टू। एक्स वन क्या हो जाएगा, एक्स वन वाई वन जेड वन कर लो यहाँ, एक्स वन क्या हो जाएगा टू, वाई वन क्या हो जाएगा माइनस वन, और जेड वन क्या हो जाएगा फोर। हम लोग लाइन की इक्वेशन आराम से लिख सकते हैं, एक्स माइनस एक्स वन बाई ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाई बी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन बाई सी। तो एक्स माइनस एक्स वन यानी एक्स माइनस टू बाई ए यानी वन, y माइनस माइनस वन यानी y प्लस वन बाई बी यानी कि वन, और z माइनस फोर बाई माइनस टू। तो ये हो गया हमारे पास लाइन इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कहा रहा है हम लोगों से, फिफ्थ क्वेश्चन में लोगों से कहा जा रहा है द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन r x माइनस थ्री बाई टू इज इक्वल टू y प्लस टू बाई माइनस फाइव इज इक्वल टू z माइनस सिक्स बाई फोर। हम लोगों को लाइन की कार्टेशियन इक्वेशन दे रखी है और क्या पूछ रहा है हम लोगों से, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन। हम लोगों को लाइन की वेक्टर इक्वेशन निकालनी है, तो हम लोग क्या करते हैं इसको हम लोग लैम्डा के बराबर मान लेते हैं। तुम्हारे पास एक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टू लैम्डा और प्लस थ्री, वाई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस फाइव लैम्डा और माइनस टू, और जेड क्या हो जाएगा फोर लैम्डा प्लस सिक्स। और हमारे पास लाइन की इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में क्या हो जाएगी, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टू लैम्डा प्लस थ्री आई कैप प्लस माइनस फाइव लैम्डा माइनस टू जे कैप प्लस फोर लैम्डा प्लस सिक्स के कैप। ये क्या हो जाएगा, लैम्डा कॉमन, ये टू आई कैप माइनस फाइव जे कैप प्लस फोर के कैप, और यहाँ पे क्या हो जाएगा थ्री आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस सिक्स के कैप। तुम्हारे पास लाइन की इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में क्या हो गई, थ्री आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस सिक्स के कैप प्लस लैम्डा टू आई कैप माइनस फाइव जे कैप प्लस फोर के कैप। चलिए अब देखते हैं हम लोग सिक्स नंबर क्वेश्चन, सिक्स नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन आर थ्री एक्स प्लस वन इज इक्वल टू सिक्स वाई माइनस टू इज इक्वल टू वन माइनस जेड। फाइंड द पॉइंट थ्रू विच इट पासेज इट्स डायरेक्शन रेशियो एंड ऑल्सो इट्स वेक्टर इक्वेशन। काफी कुछ हम लोगों को फाइंड करना है। अच्छा, ये हम लोगों को लाइन की कार्टेशियन इक्वेशन दे रखी है। वैसे कार्टेशियन इक्वेशन दिखता कैसा है, कार्टेशियन इक्वेशन साफ ऐसा दिखता है, एक्स माइनस एक्स वन बाई ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाई बी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन बाई सी। तो क्यों ना हम इसको इसी होली में कन्वर्ट कर लें। अच्छा, इस होली में क्यों नहीं है, इसलिए नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास x, y और z तीनों कोफिशियंट 1, 1, 1 है, लेकिन यहाँ पे x, y, z तीनों कोफिशियंट 3 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ माइनस 1 है, तो बात नहीं बन रहा। मैं करता हूँ, मैं यहाँ से 3 कॉमन ले लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 1 बाई थ्री। अगर मैं यहाँ से 6 कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा y माइनस 2 बाई 6 यानी कि 1 बाई 3, और मैं यहाँ से माइनस 1 कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा z माइनस 1। अच्छा, x प्लस 1 बाई 3, अगर मैं इसको 3 को नीचे ले जाऊँ तो ये हो जाएगा 1 बाई 3, ये हो जाएगा y माइनस 1 बाई 3 बाय वन बाई सिक्स, और ये हो जाएगा जेड माइनस वन बाय माइनस वन। अच्छा, क्यों ना मैं इस सब में सिक्स से डिवाइड लगा दूं, सिक्स अगर मैं डिवाइड करता हूं ऑन डिवाइडिंग बाय सिक्स, मैं क्यों कर रहा हूं, ताकि ये सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट हो जाए, ये नीचे वाला पार्ट जो है डायरेक्शन रेशियो जो है, यानी ये हो जाएगा एक्स प्लस वन बाई थ्री बाय सिक्स बाई थ्री इज इक्वल टू वाई माइनस वन बाई थ्री बाय सिक्स बाई सिक्स इज इक्वल टू जेड माइनस वन बाय सिक्स बाय माइनस वन। ये हो जाएगा एक्स प्लस, एक मिनट, x प्लस वन बाई थ्री बाई टू इज इक्वल टू वाई माइनस वन बाई थ्री बाई वन इज इक्वल टू जेड माइनस वन बाई माइनस सिक्स। बोलो, अच्छा मैं अगर इसको इससे कंपेयर करूं, किससे, इस वाले फॉर्म से, तो मेरे पास x1 y1 z1 की वैल्यू आ गई माइनस वन बाई थ्री, वन बाई थ्री बाई वन। मैं यहां पे लिख लेता हूं, x1 हो जाएगा माइनस वन बाई थ्री, y1 हो जाएगा वन बाई थ्री, और मेरे पास z1 हो जाएगा वन, और मेरे पास a b और c इसकी वैल्यू आ गई। ए बी सी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा टू, बी हो जाएगा वन, और सी हो जाएगा मेरे पास माइनस सिक्स। अच्छा, क्वेश्चन लोगों से क्या पूछा गया है, फाइंड द पॉइंट थ्रू विच इट पासेज, मतलब वो पॉइंट निकाली जिससे वो लाइन पास कर रहा है। अच्छा, अगर मैं लाइन की क्वेश्चन इस फॉर्म में देखूं तो ये एक्स वन वाई वन जेड वन क्या होता है, वही पॉइंट होता है जिससे वो लाइन पास कर रहा होता है, यानी लाइन पास करेगा माइनस वन बाई थ्री, वन बाई थ्री और वन से, यानी माइनस वन बाई थ्री, वन बाई थ्री और वन से।
आगे क्या पूछ रहा है, फाइंड इट्स डायरेक्शन रेशियो। अच्छा ये ए बी और सी क्या होता है, ये ए बी और सी, ये ए बी सी होता है उस लाइन डायरेक्शन रेशियो। यहाँ पे ए बी सी क्या है, उस इस लाइन डायरेक्शन रेशियो, यानी कि मेरे पास 2, 1 और -1 क्या हो गया, डायरेक्शन रेशियो। ठीक है भाई, आगे क्या पूछ रहा है, एंड फाइंड ऑल्सो इट्स वेक्टर इक्वेशन। हम लोगों को लाइन की वेक्टर इक्वेशन भी फाइंड करनी है, तो वेक्टर इक्वेशन क्या हो जाएगा मेरे पास, वेक्टर इक्वेशन हो जाएगा आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप प्लस जेड वन के कैप प्लस लेमडा ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। ऐसा क्यों किया मैंने, आप सिंपली ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, इसको लेमडा के बराबर कर देते और फिर ये हो जाता 2 λ - 1/3, फिर आप एक्स की वैल्यू पुट कर दिए, तो ऐसे भी कर सकते थे। वैसे ये सिंपलेस्ट फॉर्मूला हमारे पास है ही। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास -1/3 आई कैप प्लस 1/3 जे कैप माइनस के कैप प्लस लेमडा 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 6k। तो ये गया हमारे पास लाइन की इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं।